और ये थाल मेरी, इसमें देखिए आप नेल पेंट्स वगैरह। गाइस अभी रात के 9:30 बज रखे हैं, हम ऋषिकेश में हैं और योग कितने की दे रहा है? 1000। और ये एक मिनट, ये बच्चे स्कूल, देखो स्कूल जाते हो तुम, ये 10, ये 10 रुपए का, 10-20। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज मैं आई हूँ ऋषिकेश योग निकेतन होटल में, तो चलो आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, रूम का भी टूर कराऊंगी। अभी रुकिए, पहले मैं गंगा जी का व्यू दिखा देती हूँ, आ जाइए। यहाँ योग निकेतन होटल की एक खास बात ये है गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी जनरेटर की आवाज़ आ रही है। ये देखिए सारे रूम बने हुए हैं 1x1, और यहाँ पर ये बालकनी दी हुई है, बहुत प्यारी सी बालकनी है, और बालकनी से जो व्यू आ रहा है ना पूरा गंगा जी का, और सामने बिल्कुल इतना गंगा जी इतनी प्यारी और शांत। तो यहाँ पर से देखिए जिस तरह से गंगा जी का व्यू दिख रहा है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सामने की पहाड़ियां भी बहुत खूबसूरत लग रही है, और नीचे देखिए यहाँ पर योग निकेतन होटल का गार्डन भी काफी सुंदर लग रहा है, लग रहा है जैसे हम कहीं गोवा में आए होंगे, या मतलब बहुत ही जो पाम ट्रीज हैं इतने अच्छे से डेकोरेट किए गए हैं। मैं आपको एक बार पूरा रूम का टूर करा के पूरा अच्छे से यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। ये है हमारा रूम, और ये अभी डिलक्स कैटेगरी में आता है, और देखिए क्या इनकी एमिनिटीज़ है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मैं जैसे जहाँ भी जाती हूँ आपको रूम दिखाई देती हूँ, बट सेम तो नहीं है, हाँ ठीक ठीक ही है, टीवी लगी हुई है, और सबसे पहले यहाँ पर योगा जो क्लासेस वगैरह, इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है हमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। तो बेड देखिए, बेडिंग अच्छी है, टॉवल्स जो इतने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं ये अच्छी लगी मुझे। हाँ, लास्ट टाइम मैंने इनका संस्कृति वाला जो एक और इनका होटल है वो भी मैंने दिखाया था, तो यहाँ देख लीजिए, और योगा पोज देते हुए महिला, और बस सेम ही होती है सारी होटल्स में, और ये कवर्ड भी है। बाकी इनके जो रेट्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी लिंक वगैरह, कहाँ पर होटल है, किस जगह पे है, वो सारा कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, ठीक है गाइस। तो चलो टॉयलेट भी आपको हल्का सा ये वॉशरूम भी दिखा देते हैं। ये वॉशरूम है, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से इन्होंने जो टॉयलेटरीज रखी हुई है, सारा सामान रखा हुआ है, और यहाँ पर हैंड टॉवल हैंग किया हुआ है। ये बाथरूम आप देख सकते हैं उधर, बिल्कुल अच्छा सा बना हुआ है, डोर बना हुआ है, लाइट वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई है, मिरर बहुत अच्छा लगा हुआ है, मिरर दिखा देती हूँ आपको। योगा 8 to 9 AM हमारे जो इसमें पैकेज में इंक्लूड है, 8 to 9 AM इनका योगा टाइम, हाई टी 5 to 6, मेडिटेशन 7 to 8, ब्रेकफास्ट टाइमिंग 7:30 to 10:30, लंच भी टाइम दिया हुआ है, बट हमारा जो इंक्लूड है इस पैकेज में वो है मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट एंड योगा, हाई टी। सो लंच और डिनर तो आपको खुद करना पड़ेगा। और यहाँ से मैं बाहर आपको दिखा देती हूँ, होटल की अगर विंडो से देखेंगे तो आपको राफ्टिंग करते हुए भी यहाँ से गंगा जी पर दिख जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। दोस्तों मैंने ये वीडियो करवा चौथ पे बनाया था, और थोड़ा दिवाली की डेकोरेशन में डिले हो गया है, और वीडियो आप देखते रहिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, अच्छी तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए अमीरा तो फास्ट है, मोहन अब करने लग गए हैं लंच, क्योंकि हम घर से सीधे ऋषिकेश आ गए थे, कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था इन्होंने, तो अब मैंने बोला लंच कर लीजिए, लंच में इन्होंने दाल चावल सिंपल अभी ऑर्डर किया, तो अब अपना इंजॉय। जब हम यहाँ आए थे तो हमारा वेलकम भी किया था, और देखिए इतना बड़ा टीका लगाया है इस तरह से, और आपको मैं वो साइड में पिक्चर लगा दूँगी, वीडियो उन्होंने, क्योंकि मैंने वो पोर्ट्रेट में बनवा दी थी सारी वीडियोस, साइड पे देख सकते हैं आप। और
आज हम यहाँ आए हैं करवा चौथ मनाने, क्योंकि हर साल हम ऋषिकेश में ही करवा चौथ मनाते हैं, तो सोचा इस बार भी ऋषिकेश में ही मनाएंगे गंगा जी के साथ में। तो देखते हैं, चलो गंगा जी के जो जो पूजा वगैरह जैसे भी होगा मैं आपको इसी ब्लॉग में डाल दूँगी, और आप देखते रहिए। थोड़ा मुँह भी सूख रहा है मेरा, मोहन की तो हो गई पोएट पूजा है ना, और चलो थोड़ा नीचे वॉक करके आते हैं और वहाँ पर गंगा जी का थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि शाम में फिर अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं है ना, फिर दिखेगा नहीं। तो चलिए एक बार मैं यहाँ से आपको राम झूला की तरफ का भी दिखा देती हूँ, क्योंकि टेरेस या बालकनी से इतना अच्छा व्यू आ रहा है, नीलकंठ की पहाड़ियां भी दिख रही हैं सारी, राम झूला भी दिख रहा है, उधर आपको पहाड़ियां चारों तरफ यहाँ से दिख रही हैं, फूल इतने अच्छे खिले हुए हैं, सब कुछ बहुत सुंदर। तो अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ, और घाट के लिए यहाँ से कितने की दे रहा है? 1000। और ये एक मिठाई। ये बच्चे स्कूल, देखो स्कूल जाते हो तुम, ये दस, ये 10 रुपए का, 10 20 20 रुपए का तो महंगा दे रहा भाई। तो रहने दो, 10 रुपए का है, 10 का नहीं है। ये दिया बत्ती, दिया बत्ती लगाएंगे अभी। अच्छा, नगद देंगे लगा के देगा। तो यहाँ पर मैं घाट पर आ गई हूँ, और घाट से देखिए कितना नजदीक पे होटल हमारा बना हुआ है, ऊपर योग निकेतन होटल ऋषिकेश का आप देख पा रहे हैं, और घाट में देखिए इतनी प्यारी प्यारी सीढ़ियां यहाँ पर दिख रही हैं, गंगा जी तो मानो मतलब अभी सोने पे सुहागा हो रखी है, क्योंकि उस भी ऐसे चमक रही है जैसे सोने की तरह बिल्डिंग्स में, क्योंकि सामने देखिए परमार्थ निकेतन दिख रहा है, वहां पर शाम को आरती होती है, यहाँ पर जानकी झूला भी आपको देख पा रहे होंगे, और गंगा जी तो बिल्कुल इतनी साफ सुथरी लग रही है। यहाँ पर देखिए मोहन भी जल भर के लेके आ गए हैं, क्योंकि शाम की पूजा होगी, यहीं पर मैं बच्चों से अभी देखिए कथा पढ़वाऊंगी, और यहीं पर दिए वगैरह जला दिए, बच्चे सारे फूल बेचने वाले हैं, और मैंने इनको बोला कि मेरी कथा पढ़ दो, कोई कन्या तो दिख नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो बालकों से ही पाठ कराया जाए, और यहाँ पर इन लोगों ने बारी बारी से बोला कि आंटी हमारा भी फूल ले लीजिए, सबने एक एक अपना दिए जला दिए, और अब देखिए यहाँ पर ये कथा पढ़ने लग गया है, और मैं कथा सुनती जा रही हूँ, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पर सामने आरती की भी आप सुन पा रहे हो, तो आरती भी आ रही है आवाज, क्योंकि आरती शुरू हो चुकी है, और देखिए गंगा जी के सामने ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुकून देने लायक है, और साथ में बच्चे, तो देखिए किस तरह से माहौल बन चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो दोस्तों इसको आप भी इंजॉय कीजिएगा। रेडी हो गई हूँ, चांद आने का इंतज़ार है, और 8:30 हो गए हैं, अभी तक चंद्रमा जी आए नहीं यहाँ पर ऋषिकेश में, और मैंने पहन लिया है लहंगा, जो लहंगा आप पहले मेरे वीडियो में देख चुके थे, और मैंने ऐसे पहन लिया है गले में, ज़रा ये दिखा दो, ये है मेरा लहंगा, लहंगा के भली छजी रे तेरु लहंगा, गले में मैंने ये पहन लिया हल्का सा, कानों में ये पहन लिए, और कैसा लग रहा है यहाँ पर, थोड़ा लाइट लाइट तो आ रही होगी अभी, और ये देख लो मैंने ब्लाउज भी इस तरह का पहना हुआ है, और एक कुमाऊनी पिछोड़ा बोलते हैं इसको, मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में दिखाया है, तो इसको भी ओढ़ना पड़ता है इस तरह से, मैं इसको ओढ़ के थोड़ा ऐसे पूजा कर लूँगी, बस अभी तो रख देती हूँ फिलहाल, बाद में ही ओढ़ूँगी, और मुंह सूखा जा रहा है, कब चंद्रमा मामा आएंगे, और ये है मोहन ने भी अपना आउटफिट, आज थोड़ा ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न मिक्स पहन लिया है, अच्छा लग रहा है, अच्छा सबसे बड़ा अच्छा तो लग रहा है, माँ गंगा के किनारे में जो अभी ताजी ताजी हवा चल रही है ना, बहुत ही, ये जो पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं, और मेरे सुंदर हवा चल रही है, मेरी मेहंदी यहाँ तक इतनी डार्क हो रखी है, और हाथ में देखो मैंने क्या पहन लिया, ये इस तरह का कितना प्यारा लग रहा है, और इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर, लिटरली इतनी ठंडी हवा, गंगा जी के सामने ना जो मतलब व्रत, यहाँ से चंद्रमा जी आएंगे, चंदा मामा आएंगे, और गंगा जी के सामने जो व्रत खुलेगा ना आज, माय गॉड माइंड ब्लोइंग होगा। गाइस हमने पूजा भी कर ली है ऊपर टेरेस से, बालकनी से ही कर ली थी, और यहाँ पर बालू उड़ रहा है ना काफी,
तो अभी हम आ गए गंगा जी घाट पर, क्योंकि चंदा मामा हमें हमारे होटल से ही दिख गए थे और हम आ गए घाट पर। चंदा मामा काफी क्लोज आ चुके हैं अभी हमारे, बिल्कुल देखो वो दिख रहे हैं चंदा मामा, तो मजा आ रहा है ना, बाल भी उड़ रहे हैं काफी। मैडम है, मैडम जी दिख रहे हैं यार, पूरे बालों से पूरा भर गया। देश में है और योग निकेतन हमारा होटल है और सामने परमार्थ निकेतन है, तो हमारी पूजा हो गई है और हमारे चंदा मामा इस तरफ है और गंगा जी इस तरफ है, चंदा मामा उस तरफ है और बहुत ठंडी हवा आ रही है। ये देखो दुपट्टा भी उड़ रहा है, दुपट्टा नहीं हो क्या बोलते हैं इसको, पिछौड़ा बोलते हैं। जानकी पुल के नजारे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी बहुत सुंदर लग रहा है जानकी सेतु। इधर वो कौन सा सेतु बन रहा है अभी लास्ट, वहाँ पर भी बन रहा है पता नहीं, पैदल घूमने का। ओ गॉड कौन सा है यार वो, कितना प्यारा स्वर्ग है ना, बहुत ही मस्त लग रहा है जानकी सेतु, कितना सुंदर लग रहा है बता। जैसे हम वहाँ गए ना, वहाँ भूतनाथ मंदिर देखो, भूतनाथ मंदिर देखो लाल चमक रहा है ऊपर, और परमात्मा निकेतन सारे गीता भवन, अभी माँ गंगा जी के तट पर, इतना खूबसूरत, इतना सुकून, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। यहाँ से देखिए आप माँ गंगा जी के नज़ारे, देखिए बहुत सुंदर, बहुत परम, बहुत सत्य, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं माँ गंगा के। हमें अभी गंगा के किनारे पर ही होटल पे, तो यहाँ देख सकते हैं आप और सामने परमार्थ निकेतन। तो हम लोग आ गए हैं वॉक करने, थोड़ा माँ गंगा जी के सामने में वॉक कर लेते हैं। ये देखो वहाँ पे सारे लोग स्नान कर रहे हैं और हम भी थोड़ा एक्सप्लोर कर। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों मॉर्निंग का नज़ारा, देखिए सूर्य भगवान यहाँ पर पधार चुके हैं और हम लोग भी गंगा घाट पे आ गए हैं, ये देखिए। और कल शाम को हमने यहीं पर आपको दिखाया था, शाम के तो सारे व्यूज आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिए। वो देखिए राम झूला अभी आप देख पाएंगे सामने, और बिल्कुल गंगा जी पार आप देखिए परमार्थ निकेतन। फिर से एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ और सुबह की नमस्कार आप सभी को। देखिए माँ जानकी सेतु भी दिख रहा है बीच में, कितने प्यारे प्यारे पत्थर आपको दिख जाएंगे, बहुत ही नज़ारे। देखो पानी बढ़ने लग गया, पानी यहाँ तक आने लग गया पानी, शाम को यहाँ पर पानी कम था और न यहाँ तक था, फिर कम हो गया था, अभी बढ़ने लग गया, देखिए उस तरफ से बढ़ने लग गया। और माँ तो माँ है, जानकी पुल को जाने के लिए और मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर कितना अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है और लाइट्स भी, और रिवर साइड आप देख सकते हैं पूरी वॉक करने के लिए सारे टाइल लगा रखे। और गंगा जी माँ ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है शांत। ऋषिकेश में मैंने इस तरह के जगह खाली खाली यहाँ पहली बार देखी, ये इस जगह पे हम लोग इतनी बार ऋषिकेश में आ गए हैं गाइस, और हमने ये वाली जगह बिल्कुल ही छोड़ दी। देखो अब यहाँ से दिख रहा है अच्छे से जानकी पुल, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। और ये है ब्रिज, हाँ यहाँ राफ्टिंग, ओ माई गॉड देखो राफ्टिंग की पार्किंग भी है यहाँ पे, यहाँ से राफ्ट पिक करके ये लोग हमें वहाँ ले जाते हैं, तपोवन से भी कराते हैं। और आगे कहाँ लेके गए थे पिछली बार हमने किया था, शिवपुरी, शिवपुरी इनका डेस्टिनेशन, वहाँ ले जाएंगे गाड़ी में ऐसे भर भर के इस तरह से। और वो मेन रोड है जहाँ हम देहरादून या हरिद्वार से आते हैं, तो वो रोड है। और ये ब्रिज यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, माँ गंगा जी का पूरे नज़ारे यहाँ से दिखेंगे। ये देखिए दोस्तों बार 5 सुहागन के लिए सामान लेके आई हूँ करवा चौथ के लिए, और हर बार ही देती हूँ, इस बार भी मैं इस तरह के पाउच लाई हूँ और पाउच में डालती जाऊंगी। 5 पाउच लेके आई हूँ देखिए, और इसमें चूड़ियाँ हैं, और ये थाल मेरी, इसमें देखिए आप नेल पेंट्स वगैरह, मेहंदी, बिंदी का पैकेट, नेल पेंट्स, और ये सिंदूर सारा ये हो गया, और चूड़ियाँ। तो मैं अभी पाउच बना के एक पाउच आपको
दिखा देती हूँ इस तरह से। और ये देने के लिए इजी रहता है। अगर आप फर्स्ट करवा चौथ कर रहे हैं तो फर्स्ट में अगर आपने इस तरह की रिवाज बनाई है तो फिर देना ही पड़ता है, जैसे मैंने बनाई थी। तो मैं इसमें एक बिंदी डाल देती हूँ देखिए, और एक ये डाल देती हूँ, एक नेल पेंट डाल देती हूँ इस तरह का। ये हो गए, तीन हो गए, और एक मेहंदी कोन डालूंगी, ये हो जाएंगे चार। और चूड़ियां इसमें से देखो, चूड़ी के डब्बे भी लाई हूँ। इसमें मैं एक एक दर्जन चूड़ियां डाल रही हूँ, जैसे ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चूड़ियां। तो चूड़ियां मैंने रक्षा तागा से बांध दी हैं। एक इसमें मैंने चार चीज डाल दी थी ऑलरेडी, अब पांचवी चीज मैंने चूड़ियां भी डाल दी हैं। तो इस तरह से मेरी पोटली तैयार हो गई है। अब इसको मैं बांध देती हूँ, देने के लिए सही रहेगा। देखो कितनी प्यारी पोटली बन गई है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। अब मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक